हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, कि जिसको हम संवेदनशील आंत की बीमारी भी कहते हैं। तो ये बीमारी होने के कारण क्या होते हैं, कि उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसके पीछे कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं और किस तरह से ये कंडीशन को हम ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो सीखते हैं डिटेल में आज के वीडियो लेक्चर के अंदर IBS के बारे में। तो IBS मतलब कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इसी के बारे में सीखते हैं डिटेल में। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारॉक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऊपर। अब आप अलग अलग बीमारियाँ, उनके ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में सीख सकते हैं फार्मारॉक्स की ऐप पर सरल भाषा में, एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। तो सीखिए अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर से, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, कि जिसको शॉर्ट में IBS कहा जाता है, और सिंपली हम उसको समझ सकते हैं संवेदनशील आंत की बीमारी के बारे में। मतलब कि आपके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं और उसमें भी जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, और ऐसे कंडीशंस को मेडिकल टर्म्स के अंदर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर IBS जो है वो कहा जाता है, कि जो स्पेशली आपके लार्ज इंटेस्टाइन को ये कंडीशन जो है वो अफेक्ट करती है, और ये एक क्रोनिक कंडीशन है। मतलब कि लंबे समय तक ये बीमारी जो है वो चलती है, और जो भी पेशेंट IBS के होते हैं उनको ये कंडीशन को लंबे समय तक मैनेज करना होता है, कि IBS आपको लॉन्ग टाइम तक करना पड़ता है मैनेज। और आगे समझे तो इंटेस्टाइन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं ये डिसऑर्डर के अंदर, कि जिसके कारण आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड जो अलग अलग सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो उसके साइन एंड सिम्टम्स हम समझे तो सबसे पहले जो है वो क्रैम्पिंग हो सकता है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, या फिर एब्डोमिनल पेन, की जिसको हम कहते हैं कि पेट में दर्द होना या फिर पेट के अंदर एंठन होना, तो ऐसे कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है एज अ साइन एंड सिम्टम। दूसरा हम देखें तो ब्लोटिंग जैसा जो है वो आप फील कर सकते हैं, फिर गैस जैसा फील कर सकते हैं, कि आपको गैस हो सकता है, डकारे आ सकती है, और उसमें भी कई बार खट्टी डकार आती है, डायरिया मतलब कि दस्त हो जाते हैं कुछ लोगों को, या फिर कुछ केसेस के अंदर कॉन्स्टिपेशन। तो दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में हो जाते हैं, कि अगर किसी को डायरिया होता है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, और कॉन्स्टिपेशन होता है तो डायरिया नहीं होता। तो इसी तरह से एक GI ट्रैक की जो हमारा पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र से जुड़े सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फिर इनडाइजेशन जैसा फील करते हैं आपके, आपको खट्टी डकारें आती रहती है, या फिर सीने में जलन भी कई बार होते हैं। तो ये कुछ प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं IBS के अंदर। फिर ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू हम देखें तो ये वाला जो पूरा रेड कलर का जो पोर्सन दिखाया गया है वो आपका है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो एरिया है, कि जिसको हम कॉलन भी कहते हैं, तो ये रीजन के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, कि सूजन कई बार देखने को मिलती है, इरिटेशन वहाँ पे हो जाती है आपको, और वो जब प्रॉब्लम्स होते तो वहाँ पे स्पाजम्स भी आते हैं, तनाव जैसा रहता है, और उसके आपको पेन होता है, कुछ केसेस में डायरिया दस्त हो जाते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसा भी पेशेंट जो है वो फील करते हैं। दूसरे सिम्टम्स देखें तो जो आपका स्टूल है उसके अंदर म्यूकस आ सकता है, मतलब कि जो मल के अंदर बलगम आपको जो है वो देखने को मिले, फिर नौजिया, जो जी मचलता है, उबकाई आ जाती है, ऐसा कुछ लोग फील करते हैं, या फिर आपको उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, एंजाइटी, तो कुछ लोग जो है वो चिंता जैसे महसूस करते हैं, कि ऐसे सिम्टम्स जो है वो उनके बॉडी के अंदर लंबे समय तक चलते रहते हैं, तो वो एक एंजाइटी भी कई बार फिर करते हैं, चिंता होती रहती है, या फिर कुछ लोग उसके कारण अवसाद जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं उसमें भी जा सकते हैं, डिसकंफर्ट मतलब कि बेचैनी जैसा फील करते हैं आपकी, जब पाचन तंत्र से जुड़े जब प्रॉब्लम होते हैं तो ऑब्वियसली पर्सन जो है वो डिसकंफर्ट फील करता है, बेचैनी उसको हो जाती है, और
एक सिम्टम ऐसा डेवलप होता है कि जिसके अंदर जो पर्सन की जो भूख है वो कम हो जाती है, भूख में कमी आना कि जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट। तो जितना भी पसंदीदा खाना आपके सामने हो तो भी कई बार आप खाना वो नहीं खा सकते या फिर खाने का आपको मन नहीं होता। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं IBS के अंदर की, जो एक संवेदनशील आंत की बीमारी है कि आपके इंटेस्टाइन इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि आपको जो है वो डाइट भी प्रॉपर इसी तरह से लेनी होती है कि जो कुछ रिस्ट्रिक्टेड डाइट के ऊपर आप रहते हैं। तो ये होने के कुछ हम रीज़न समझे तो एक रीज़न बनता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, और वो इन्फेक्शन के रीज़न जो है वो बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं या फिर वायरसेस वगैरह भी हो सकते हैं कि जिसके कारण आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो चुका है। फिर आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरिया की जो है वो ओवरग्रोथ हो चुकी है कि जो प्रॉपर अमाउंट में बैक्टीरिया चाहिए वो तो ज़रूरी है बट बहुत ज़्यादा कई बार जो ग्रोथ हो जाती है तो वो एक रीज़न बनता है। फिर आपके अर्ली लाइफ के अंदर काफ़ी स्ट्रेस रहा है या फिर ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ के अंदर, स्पेशली बचपन के अंदर, जो चाइल्डहुड होता है बचपन होता है उसमें ऐसे कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट हुए, कुछ ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट हुए हैं तो उसके कारण भी आप जो है वो IBS के सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। या फिर जो कुछ फूड आइटम्स होती है वो आप टॉलरेट नहीं कर पाते, इनटॉलरेंस टू फूड आइटम्स जिसको कहा जाता है। फिर आप एक्सट्रीमली स्वीट खा रहे हैं या फिर एक्सट्रीमली स्पाइसी खाना खा रहे हैं तो उससे भी कई बार आगे जो है जाके जो है वो IBS हो जाएगी, जिसको डाइट रिलेटेड फैक्टर कहा जाता है एक। फिर आपके डाइट के अंदर फाइबर जो है वो काफ़ी कम है। तो ये कुछ इश्यूज ऐसे हैं, रीजंस ऐसे कि जिसके कारण आपको IBS हो सकता है। कि आप ये देखो कि इमोशनल स्ट्रेस, कि बचपन में ऐसे कुछ इमोशनल स्ट्रेस रहे हैं आपको, स्ट्रेसफुल इवेंट हुए हैं, ऐसे कोई इवेंट्स बने हैं लाइफ में कि जिसके कारण आप जो है वो काफ़ी स्ट्रेस में रहे थे और वो स्ट्रेस आगे जाके IBS का रीज़न बन सकता है। डाइट ऐसा है कि बहुत सारे एक्सेसिव स्वीट ले रहे हैं या फिर एक्सेसिव स्पाइसी आप ले रहे हैं, फूड टॉलरेंस आपके अंदर है, इन्फेक्शन जैसा हो जाता है या फिर GI मोटर प्रॉब्लम, मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हमारे पाचन तंत्र के अंदर जो मूवमेंट होती है कि जो भी हम कुछ खाना खाते हैं तो वो माउथ से लेकर हमारे स्टमक तक पहुंचता है और फिर डाइजेशन होके वो स्टूल के थ्रू NS रूट से बाहर, मतलब कि बॉडी में से बाहर भी निकल जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, तो उसकी प्रॉपर मूवमेंट होती है बट वो मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है तो भी IBS जैसा फील करते हैं। एंड मेंटल एलिमेंट, मतलब कि आपकी मेंटल कंडीशन, कि उसमें समझो कि इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस लेवल, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी समझो कि अच्छी ना हो तो भी IBS जो है वो हो सकता है। कुछ और रीज़न देखें तो सेंसिटिव कॉलन, कि आपका जो कॉलन है, आपका जो इंटेस्टाइन है बहुत ही सेंसिटिव है पहले से और आपकी इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी वीक है, कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है एंड आप जो है वो सेंसिटिव कॉलन वाले पर्सन हैं तो ऐसे लोगों को भी IBS जो है वो हो सकता है। फिर स्पेशली वुमेंस के अंदर हम बात करें IBS की, तो वुमेंस के अंदर कई बार जो हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं तो जो हार्मोन्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं उससे भी कई बार इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो आपको हो सकता है। फिर कई बार जब मेंस्ट्रुअल डेज होते हैं पीरियड्स के दौरान भी या फिर उससे पहले भी ये IBS का प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होता है। एंड आगे कुछ देखें तो ऐसे कुछ ट्रॉमेटिक मेमोरीज थी आपके लाइफ के अंदर कि जैसे कि एक्सेसिव स्ट्रेस और वो स्ट्रेस के कुछ रीज़न कि आपको फिजिकली अब्यूज़ हुए थे आप या फिर कोई सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ था तो उसके कारण भी पर्सन जो है वो IBS उसके बॉडी के अंदर डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे कोजेज है, रीजंस है कि जिसके कारण IBS डेवलप होता है। कई बार कुछ जीनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि जिसके कारण आपको IBS हो सकता है, मतलब कि फैमिली में किसी को IBS की हिस्ट्री थी तो वो आगे जाके आपको कुछ केसेस के अंदर जीनेटिक फैक्टर भी देखने को मिलते हैं। फिर जो चेंजेस हो जाते हैं हमारे माइक्रोबायोटा जो होते हैं, माइक्रोबियल्स जो होते हैं हमारे गट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर, वो चेंज होता है जाए कि उनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है या फिर काफ़ी कम हो जाती है तो भी एक ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंड स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह है तो भी, मतलब कि ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो दोनों रीज़न भी बनते हैं और कई बार सिम्टम्स भी बनते हैं IBS के अंदर।
फिर आईबीएस कैसे इंक्रीज हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए कि कोई पूरा आईबीएस के ट्रिगर्स दिखाए गए, मतलब कि ऐसे चीज़ों के आप कांटेक्ट में आते हैं समझो, तो उससे आईबीएस जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, जैसे कि डाइट। तो यहाँ पे आप देखो डाइट्स के अंदर बहुत ही अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिखाए गए हैं कि अगर आपके डाइट के अंदर शुगर ज़्यादा है तो उसको लिमिट कर देनी चाहिए, फिर आप डाइट में समझे कि अल्कोहल कंजप्शंस भी करते हैं तो भी उसको बंद कर देना चाहिए, कैफीन कंटेनिंग फूड वो या फिर ऐसे प्रोडक्ट आप ज़्यादा लेते तो उसको अवॉइड करना चाहिए, जो बीन्स होते हैं उसको भी लिमिट कर देना चाहिए, फिर आर्टिफिशियल फैट्स वगैरह होते हैं वो कम कर देने चाहिए, फिर जो हेल्दी लिमिटेड हेल्दी फैट्स वाले जो हो डाइट आप लीजिए, फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है वो कम कर देने चाहिए, फिर जो फूड एडिटिव्स कई बार होते हैं जो MSG होता है उसको भी आपको कम कर देना चाहिए या फिर बंद ही कर देना चाहिए, कुछ जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अवॉइड करिए या फिर लिमिट कर दीजिए, कुछ मेडिकेशंस आपको नहीं लेनी चाहिए कि जो आपको गैस्ट्रिक इरिटेशंस वगैरह कर देती है, स्ट्रेस मैनेज करना चाहिए, फिर च्युइंगम्स वगैरह से आपको दूर रहना चाहिए, फिर जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे फल होते हैं उससे दूर रहना चाहिए, स्मोकिंग जो है वो आपको बंद कर देना चाहिए, एंड जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं कि जिसके अंदर स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो, और जो सोए प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करें, वीट जो है वो आप ऐसा हो तो अवॉइड करें, तो ये सब है, और जो स्पाइसी फूड्स हैं वो भी अवॉइड करने चाहिए कि जिससे आईबीएस इंक्रीज ना हो, तो अगर ये सब आपके डाइट में है तो आपका आईबीएस जो है वो इंक्रीज हो सकता है, तो आईबीएस जब जो कि आपका डाइट इस तरह से है तो भी बढ़ सकता है, स्पाइसी फूड की आपको हैबिट है तो भी आईबीएस इंक्रीज हो सकता है, एक्सेसिव स्ट्रेस से आपकी लाइफ के अंदर तो भी आईबीएस हो सकता है, मतलब कि स्ट्रेस लेवल आप रिड्यूस कर देते तो आईबीएस जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो आईबीएस फिर से शुरू हो जाएगा, फिर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसके कारण भी आईबीएस हो सकता है, तो आईबीएस को रोकने के लिए स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए, अल्कोहल से भी हो सकता है, कैफीन से एंड फूड एडिटिव्स, तो ये सब कुछ ऐसे और रीजन से या फिर ऐसे कुछ फूड या फिर ऐसे कंडीशन है कि जिससे आईबीएस आपका और ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, फिर जो पीपल होते हैं आईबीएस वाले उनको डाइट भी प्रॉपर प्लानिंग से लेना होता है कि ऐसा डाइट या फिर ऐसा फूड लेना चाहिए कि जो आपकी बॉडी सूट करती है, कि आपकी बॉडी जो कई बार सूट हो जाती है तो फिर आपको आईबीएस के प्रॉब्लम नहीं होते, बट समझो कि वो डाइट समझो कि आपको सूट नहीं करता तो आपको प्रॉपर ऐसा तो खुद से एक लिस्ट बना देना चाहिए कि कौन सा डाइट आपको सूट करता है और कौन सा नहीं करता, तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वो अलग अलग होता है कि जो फूड ट्रिगर्स होते हैं कि फूड के कारण होने वाला जो आईबीएस के प्रॉब्लम वो चेंज होते हैं पर्सन टू पर्सन, तो पर्सन टू पर्सन जो है वो फूड ट्रिगर्स कई बार चेंज भी होते हैं, तो खास आपको ध्यान ये रखना है, तो आप खुद से एक अपना डाइट चार्ट बना लें या फिर डाइटिशियन से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स को भी आप मिल सकते हैं कि जो आपको प्रॉपर डाइट जो है वो सेटअप करके देंगे कि जो आपको सूट करेगा और जिससे आईबीएस ना हो। तो यहाँ पे जो हम डायग्राम देख रहे थे उसमें ऐसे फूड है कि जो आपका आईबीएस इंक्रीज कर सके, जैसे कि आप कैफीन कंटेनिंग फूड लेते हैं जैसे कि कोक लेते हैं क्या कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, तो उससे आपका जो है वो आईबीएस जो है वो इंक्रीज होगा, तो ये क्या करेंगे आपके आईबीएस को इंक्रीज कराएंगे। अल्कोहल्स के अंदर हम देखें कि आप समझो कि बियर लेते हैं वाइन वगैरह मिक्स ड्रिंक्स लेके तो भी आईबीएस जो है वो आपका इंक्रीज हो सकता है, फिर मिल्क एक्सेसिव लेते हैं चीज़ एक्सेसिव लेते हैं या फिर कई बार आइसक्रीम एक्सेसिव खा लेते हैं तो भी आईबीएस जो है वो आपका इंक्रीज हो सकता है, बीन्स लेते हैं या फिर एग लेते हैं एक्सेसिव अमाउंट में तो भी इंक्रीज हो सकता है आईबीएस, या फिर ब्रेड ले लेते हैं आपकी जो वाइट ब्रेड होती है, सीरियल्स होते हैं, चिप्स एंड जो कुकीज़ वगैरह होती है तो उससे भी आईबीएस जो कि जिसको रिफाइंड फूड्स कहा जाता है, तो ये सब कि हाई प्रोटीन डाइट है डेयरी कॉर्नर से कैफीन है अल्कोहल, तो ये सब ट्रिगर बन जाते हैं आईबीएस के लिए, तो आपको देख लेना चाहिए कि अगर आपको ये सब फूड खाने से आईबीएस इंक्रीज होता है तो उसको बंद कर दें और उसको ऑप्शन में दूसरे फूड ले कि जो आपको आईबीएस जो है वो ना करते हो आपकी बॉडी को सूट हो गए हैं। अब आगे समझते हैं कि डायग्नोसिस कैसे किया जाए कि कैसे पता चले कि आपको आईबीएस है, तो साइन एंड सिम्टम से तो पता चलता है कि अगर आप हमने जो अभी डिस्कस किए ऐसे कोई भी साइन एंड सिम्टम से
तो आप जो है वो अपना डायग्नोसिस करवा सकते हैं आईबीएस के लिए। तो आपके डॉक्टर क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे एंड फैमिली हिस्ट्री चेक करेंगे कि फैमिली में आपको आपके किसी भी पर्सन को आईबीएस था या नहीं। आपकी खुद की भी मेडिकल हिस्ट्री वो चेक करेंगे। फिर एक फिजिकल एग्जामिनेशन करके वो चेक कर सकते हैं कि आपको किन एरियाज़ के अंदर पेन हो रहा है, कि बॉडी के कौन से पार्ट्स में आपको पेन हो रहा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, कि जो हमारा पाचन तंत्र है, तो वहाँ पे आपको कहाँ पे पेन हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो एक चेक करेंगे। फिर ज़रूरत पड़ने पर वो आगे ब्लड टेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं एंड स्टूल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, कि जिसको स्टूल टेस्ट कहा जाता है। और ज़रूरत पड़ने पर कॉलोनोस्कोपी भी की जाती है डायग्नोसिस के लिए, सिग्मॉइडोस्कोपी भी किया जाता है, अपर एंडोस्कोपी भी कई बार करते हैं कि जिससे आईबीएस जो है वो पता लगा सके। फिर एंटेरोग्राफी या फिर एमआरआई भी की जाती है एंड ज़रूरत पड़ने पर सीटी स्कैन किया जाता है आपके एब्डोमिन का या फिर आपके पेल्विस रीजन का, कि जिससे कंफर्म होता है कि आपको आईबीएस है या नहीं। तो ये हो गए डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ आईबीएस के, कैसे आईबीएस पता लगे। अब समझते हैं उसके ट्रीटमेंट कि किस तरह से उसके लिए कुछ ऐसे क्या प्रिस्क्रिप्शंस लिखे जाते हैं, कैसे उसको मैनेज किया जाता है और कैसे हम उसको कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीट। तो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रीटमेंट के अंदर सिम्टम बेस्ड कुछ ट्रीटमेंट, जैसे कि एंटी डायरियल ड्रग, कि अगर आईबीएस के अंदर आपको सिम्टम डेवलप हो रहे हैं डायरिया के, तो उस वक्त दस्त को रोकना जरूरी है, तो दस्त को रोकने वाली दवाइयाँ दी जाती है। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं। एंटी स्पाज्मोटिक मेडिकेशन, कि अगर आपको दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, स्पाजम्स हो रहे हैं, तो एंटी स्पाज्मोटिक दिए जाते हैं। फिर ऐसे वुमेंस के जिनको जो है वो आईबीएस है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो उनके लिए भी स्पेशल मेडिकेशंस होती है। फिर अगर कॉन्स्टिपेशन जैसा रह रहा है सभी को आईबीएस के साथ, उस वक्त लैक्सेटिव्स दिए जाते हैं और स्टूल सॉफ्टनर्स का भी आपके पास जो है वो ऑप्शन रहता है। छठा ऑप्शन होता है एक होम रेमेडीज़ का, कि होम रेमेडीज़ करके घरगुथी जो उपाय हमारे होते हैं उससे भी आप आईबीएस को मैनेज एंड कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सातवां होता है सर्जिकल ऑप्शन, कि ये सभी से आईबीएस कंट्रोल नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा, बहुत साल से आप परेशान हो रहे हैं, तो आखिरी ऑप्शन रहता है सर्जिकल ऑप्शंस आईबीएस को ट्रीट करने के लिए। तो शुरू करते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स से। तो एंटी डायरियल ड्रग मतलब कि ऐसे दवाइयाँ की जो दस्त कम करती है, तो उसमें एक ही जो है वो सूटेबल बनता है, कि जो लोपरामाइड है, तो लोपरामाइड के जो 2 मिलीग्राम के जो टैबलेट्स आते हैं वो पेशेंट जो है वो ले सकते हैं, कि जिससे उसके डायरिया हो, उसके दस्त जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। और ये 2 मिलीग्राम का जो टैबलेट है वो पेशेंट को जो वो दिया जाता है आईबीएस को कंट्रोल करने के लिए जब डायरिया भी हो रहे हैं, तो एंटी डायरियल ड्रग जो है वो काम करेगी ये आईबीएस के अंदर, कि वो है स्पेशली लोपरामाइड। आगे देखिए तो एंटीबायोटिक्स जो यूज़ किए जाते हैं आईबीएस के अंदर, तो एक जो है वो रिफॉक्सिमिन करके एंटीबायोटिक यूज़ होता है, कि यहाँ पे आप देखो कि उसके 200 मिलीग्राम के खासकर टैबलेट्स आते हैं, तो वो पेशेंट को जो है वो दिए जाते हैं। सेकंड एक है कि नियोमाइसिन, तो नियोमाइसिन के जो है वो टैबलेट्स होते हैं नियोमाइसिन सल्फेट, आरएक्स ओनली, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशंस रहते हैं। फिर तीसरा है क्लैरिथ्रोमाइसिन, कि जिसका इन्फ्यूज़न आईवी थ्रू भी आप उसको जो है वो दे सकते हैं पेशेंट को, कि अगर वो आईबीएस है और उसमें टैबलेट नहीं खा सकता, तो उस वक्त आप उसको इंट्रावेनसली आईवी इन्फ्यूज़न के थ्रू भी ये मेडिकेशन जो है वो दे सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है फ्लैजिल का, कि जिसको मेट्रोनिडाजोल हम कहते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल के यहाँ पे हम ऑप्शंस देखें तो अगर कोई पर्सन टैबलेट खा सकता है तो टैबलेट का तो ऑप्शन है, पर समझे कि कोई टैबलेट नहीं खा सकता आईबीएस के अंदर, तो उस वक्त फ्लैजिल का जो इंजेक्शन आता है, मेट्रोनिडाजोल का जो इंजेक्शन, की जो पेशेंट को जो है वो लगाया जाता है, कि जिससे आईबीएस में उसको राहत मिले। तीसरा ऑप्शन है एंटी स्पाज्मोटिक मेडिकेशंस का, कि जिससे स्पाजम्स जो होते हैं स्पाजम्स वो रिड्यूस हो सकते हैं, पेन रिड्यूस हो सकता है एब्डोमिन के अंदर एंड कॉलन के अंदर, कि जो आपके बाउल के, आपके जो आंतों के अंदर जो दर्द होता रहता है, आपके पेल्विस मतलब कि आपके जो स्टमक एरिया के अंदर आपको दर्द होता रहे, तो वो रिड्यूस करेगी ये एंटी स्पाज्मोटिक मेडिकेशन, की जो स्टमक स्पाजम होते हैं, इंटेस्टाइनल स्पाजम्स होते हैं, वो कम करेगी। तो उसमें ऑप्शन है डाइसाइक्लोमिन के, फिर हायोस्काइन के रहता है,
पाइनावेरियम और सिमेट्रोपियम। तो ये चार ऐसे मेडिकेशन, उसमें सबसे पॉपुलर है डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड के, जिसके इंजेक्शन भी है 10 mg/ml के, जो इंट्रामस्कुलरली IM रूट से जो है वो पेशेंट को लगाया जाता है। एंड वुमेंस के लिए अगर पीरियड्स के दौरान IBS इंक्रीज होता है तो मेफेनेमिक एसिड और डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड ये एक ऑप्शंस बनते हैं उनके लिए, ये कॉम्बिनेशन। और बाकी के समय पे भी ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, या फिर टैबलेट सूट नहीं करता तो आपके लिए ये डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन है कि जो पेन कम करेगा और स्पाजम्स कम करने का काम करेगा। चौथा ऑप्शन रहता है कि IBS विथ कॉन्स्टिपेशन, कि ये मेडिसिन जो स्पेशली वुमेंस के लिए है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन भी है और वो प्रीडोमिनेंट है IBS कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। तो लुबीप्रोस्टोन करके मेडिकेशन आते हैं जिसके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आते हैं, वो जो है वो आप ओरली खा सकते हैं, स्पेशली वंस अ डे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर दिन में दो बार जो है वो पेशेंट जो है वो यूज़ कर सकता है उसको, कि वंस अ डे या फिर बीडिंग। लिनाक्लोटाइड करके भी ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन है प्रूकालोप्राइड। तो ये तीन मेडिकेशंस स्पेशली वुमेंस के लिए है कि जिनको कॉन्स्टिपेशन के कारण या फिर कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड IBS है। पांचवा ऑप्शन है हमारे पास लेग्जेटिव्स का एंड स्टूल शॉर्पनर्स का। तो उसमें आप देखो डॉक्यूसेट करके जो डॉक्यूसेट सोडियम 100 mg के जो आते हैं स्टूल शॉर्पनर लेग्जेटिव्स की, जिसका ये फेमस एक ब्रांड नेम है डुल्कोलेक्स करके, कि जो एक लेग्जेटिव है स्टूल सॉफ्ट करने का काम करता है। इसी का एक दूसरा भी ऑप्शन आते हैं बिसाकोडिल के जो टैबलेट होते हैं 5 mg के, वो भी स्टिम्युलेट लेग्जेटिव के तौर पे काम करते हैं। और तीसरा एक उसका एक ब्रांड हम देखें तो स्टूल शॉर्पनर के तौर पे फिलिप्स के भी जो प्रोडक्ट होते हैं, जिसके अंदर डॉक्यूसेट सोडियम जो है वो है एज अ लेग्जेटिव, की जो एक स्टिम स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट है कि जिसको स्टिम्युलेट लेग्जेटिव कहे जाते हैं, कि काफ़ी फास्ट इफेक्ट देते हैं और स्पेशली ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के तौर पे जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो ये ऐसे लोग यूज़ करते हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं IBS के अंदर, तो कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए ये मेडिकेशंस दिए जाते हैं लेग्जेटिव एंड स्टूल शॉर्पनर। छठा ऑप्शन है हमारे पास होम रेमेडीज़ का। तो होम रेमेडीज़ में पेपरमिंट आप यूज़ करते हैं, जिसको मिंट हम कहते हैं, तो पेपरमिंट ऑयल या फिर वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स आप खा सकते, जैसे कि डायग्राम में योगर्ट देख रहे हैं तो आप योगर्ट ले सकते हैं। फिर फ्लैक्स सीड आप ले सकते हैं आपके डाइट के अंदर, या फिर खाना खाने के बाद जो है आप फ्लैक्स सीड यूज़ करें। चौथा है कि आपके डाइट के अंदर आप ओट इंक्लूड कर सकते हैं, कि अगर आपके डाइट में ओट होगा वो भी लिमिट में तो भी कंट्रोल हो गया। फिर कैमोमाइल टी भी आप ले सकते हैं, जिंजर भी आप ले सकते हैं, कि जो आपको हेल्प करेगा IBS के सिम्टम्स को कम करने के लिए। सातवां ऑप्शन हम देखें तो आइबेरो गेस्ट करके एक प्रोडक्ट आती है, हर्बल ट्रीटमेंट है, 9 herbs उसके अंदर रहते हैं आइबेरो गेस्ट करके, कि जो स्टमक के अंदर सूदिंग इफेक्ट देता है और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं और जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जितने भी अलग अलग सिम्टम्स है उसको ये जो है वो सॉल्यूशन ठीक करता है। तो ये एक ऑप्शन रहता है आइबेरो गेस्ट का। फिर बनानास वगैरह आप ले सकते हैं एज अ होम रेमेडीज, कि आप डाइट के अंदर बनाना इंक्लूड करो तो भी आपका IBS जो है वो कंट्रोल हो सकता है, मैनेज हो सकता है। कैरेट जूस आप ले सकते हैं। फिर योगा एक ऑप्शन बनता है, योगा या फिर आप प्राणायाम वगैरह करते हैं तो भी आपका IBS कंट्रोल रहता है। एंड मेडिटेशन जो कहते हैं हम, कि जो भी मज़हब आप फॉलो करते हैं बट उसके अकॉर्डिंग टू जो मेडिटेशंस वगैरह होते हैं, तो वो मेडिटेशंस आप करके आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर सकते हैं, कि जिससे आपका IBS जो है वो कंट्रोल होगा। तो ये सब बन जाते हैं होम रेमेडीज। सातवां ऑप्शन है सर्जिकल ऑप्शंस, कि सर्जरी करके जो कॉलोन के जो रीजन्स होते हैं वो जो है वो रिमूव किए जाते हैं, कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है, कॉलोन का जो रीजन है, तो वो पार्ट को जो है उसके कुछ पार्ट्स या फिर पूरा कॉलोन जो है वो सर्जरी करके जो है वो रिमूव किया जाता है। कि अगर पेशेंट को जो है वो लंबे समय से, मतलब कि काफ़ी सालों से IBS है और वो ट्रीट नहीं हो रहा किसी भी मेडिकेशन से या फिर होम रेमेडीज से, और पेशेंट की एज भी काफ़ी
बड़ी एज है, ओल्डर एज के पेशेंट है, तो उस वक्त उनके लिए ये सर्जरी के ऑप्शंस रहते कि कुछ पार्ट्स रिमूव कर दे आप कोलोन के, या फिर पूरा कोलोन जो है वो सर्जरी करके रिमूव किया जाए। आगे देखिए नेक्स्ट एक ऑप्शंस, तो होम्योपैथी भी यूज़फुल बनती है आईबीएस के अंदर, जैसे कि आईबीएस के लिए जो ड्रॉप्स आते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यहाँ पे लिखा है, आईबीएस के जो ड्रॉप्स होम्योपैथी की एक मेडिकेशन से A70 करके हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको आईबीएस है। और SBL वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी के भी ये जो प्रोडक्ट है, तो ये भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन टैबलेट है स्पेशली IBS या फिर आपके जो कोलोन से जुड़ी जो बीमारियां होती है उसके अंदर जो है वो आप ये होलारनेना एंटी डायसेंटेरिका के जो टैबलेट्स है, कि जो SBL वर्ल्ड क्लास होम्योपैथी उसको डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, तो ये भी आपके पास ऑप्शंस बनते हैं होम्योपैथी के। अगर एलोपैथी आपके लिए काम नहीं कर रही, हर्बल्स भी काम नहीं कर रहे, तो उस वक्त आप एलोपैथी से भी आपका IBS कंट्रोल कर सकते हैं। ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर IBS के ऊपर। तो ऐसे ही सीखिए अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग बीमारियाँ, उनके ट्रीटमेंट, कौन से मेडिसिन यूज़ होते हैं, उनके बेसिक यूज़, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, एक साल तक अफोर्डेबल प्राइस में, सरल भाषा में, वो भी फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे, और डायरेक्टली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, और आईफोन यूज़र जो है वो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड यूज़र गूगल प्ले स्टोर पर से, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।